जल प्रलय। बहुत समय बीतन के बाद संसार में बहुत सारे लोग रहत होती और ही बहुत दुष्ट और अपराधी भय गए होती, जो इतनो बुरो होतीस कि परमेश्वर ने एक बड़े जल प्रलय से यो सपई संसार को नाश करण को निर्णय लेइस। मगर परमेश्वर नूह नाम के मानुष से खुश होतीस, वो पापी मानुष के बीच में रहन वालों एक धर्मी मानुष होतीस। परमेश्वर ने नूह को बताइस कि वो एक बड़ो जल प्रलय को लान वालो है, या कारण ओने नूह से एक बड़ो जहाज बनान के गुना कहीस। परमेश्वर ने नूह को अंदाज 140 मीटर लंबी, 23 मीटर चौड़ी और 13.5 मीटर ऊंचो जहाज बनान के गुना कहीस। नूह को ओको लकड़ी से बनानो होतीस और ओके में 3 तल, बहुत से कमरा, 1 छत और 1 खिड़की बनानो होतीस। वो जहाज नूह, ओके परिवार और धरती के हर तरीका के जानवर नाउन को वा जल प्रलय से बचाए के रखे। नूह ने परमेश्वर की बात मानिस। ओने और ओके टूरा नाउन ने वसोच जहाज बनाइन जसो परमेश्वर ने बताई होतीस। काया की वो जहाज बहुत बड़ो होतीस, एक गुना ओ को बनान में कई साल लगीन। नूह ने लोग नाउन को आन वाले जल प्रलय के बारे में चेतावनी देईस और हुनको परमेश्वर के किना आन के गुना कहीस। मगर हुन लोग नाउन ने ओके पे विश्वास नी करीन। परमेश्वर ने नूह और ओके परिवार को अपने गुना और जानवर नाउन के गुना जरूरी जीवन को सामान जमा करन को आदेश भी देईस। जब सप्पाई कुछ तैयार होतीस तो परमेश्वर ने नूह से कहीस, यो समय ओके और ओकी लुगाइन और ओके 3 टूरा नाउन के और हुनकी लुगाइन नाउन कुल मिलाए के 8 जन को जहाज में जान को होतीस। परमेश्वर ने हर जानवर और पक्षी के नर और मादा को नूह के जवर भेजीस ताकि जहाज में जा सके और जल प्रलय के समय बच सके। परमेश्वर ने ऐसे तरीका के जानवर नाउन के 7 नर और 7 मादा नाउन को भेजीस जिनको बलि चढ़ान के गुना उपयोग करो जा सके। जब ही सप्पाई जहाज में पहुंच गईं तो खुद परमेश्वर ने जहाज के दरवाजा को बंद कर दीस। तब बारिश होनो शुरू भय गईस और बारिश बहुत होत गई बिना रुके। 40 दिन और 40 रात तक बारिश होत रही। पूरे संसार की हर एक चीज, यहाँ तक कि ऊंची से ऊंची पहाड़ी भी पानी में डूब गई। सूखी जगह पे रहन वाली हर एक चीज मर गई। उन लोग नाउन और जानवर नाउन को छोड़ के जो जहाज में होती वो जहाज पानी पे तैरत रहीस और जहाज के अंदर की हर एक चीज को नाश होने से बचाए के रखीन। बारिश के रुक जान के बाद 5 महीना तक वो जहाज पानी पे तैरत रही और उस समय के चलते पानी कम होन लगीस। फिर एक दिन वो जहाज एक पहाड़ी की चोटी पे जाए के रुक गईस। मगर धरती अभी तक पानी से झाकी हुई होती। 3 महीना के बाद पहाड़ी की चोटी दिखन लगी। तब और 40 दिन के बाद नूह ने एक कौवा को यो देखन के गुना बाहर भेजिस कि का पानी सूख गई है। वो कौवा सूखी जमीन की खोज में इते उते उड़त रहीस मगर ओ को कोई असी जागा नी मिली। तब बाद में नूह ने एक कबूतरी को बाहर भेजिस मगर ओ को भी कोई सूखी जागा नी मिली। एके गुना वा नूह के जवर दुबारा आ गई। 1 हफ्ता के बाद ओने वा कबूतरी को फिर से भेजी और वा अपने
चोंच में जैतून के झाड़ की एक डगाली लेके वापस आई। पानी घट गए होतीस और झाड़ फिर से उगन लगीन। नूह ने एक हफ्ता और इंतजार करीस और तीसरे बार वह कबूतरी को बाहर भेजीस। या बार ओको ठहरन को जागा मिल गई और वह वापस नहीं आई और पानी सुखत होतीस। 2 महीना के बाद परमेश्वर ने नूह से कहीस, अभी तू और तोरो परिवार और सपाई जानवर जहाज से निकल जाओ और बहुत सारी संतान और नाती पोता पैदा करो और धरती को भर देओ। एके गुना नूह और ओके परिवार जहाज से बाहर निकल गई। नूह के जहाज से बाहर आन के बाद उन्हें एक वेदी बनाई और बलि के गुना उपयोग करे जान वाले हर तरीका के जानवर में से कई को लेके बलि चढ़ाई। परमेश्वर वा बलि से खुश भईस और नूह और ओके परिवार को आशीष देईस। तब परमेश्वर ने कहीस, मैं वादा करतम कि मानुष ना उनके किना से करे जान वाले बुरे काम ना उनके कारण मैं फिर कभी धरती को श्राप नहीं देऊं या जल प्रलय से संसार को नाश नहीं करूं। हालांकि मानुष अपने बचपन के समय से पापी हत। तब परमेश्वर ने अपनी वाचा के निशानी के रूप में आकाश में पहलो मेघधनुष बनाईस। जब कभी भी आकाश में मेघधनुष दिखाई देते तो परमेश्वर याद करते कि उन्हें का वादा करीस है और वह सोच ओके लोग भी याद करें।